नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु की हमारी बेहद ही खास पेशकश। मैं हूँ स्वाति रायना। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है और श्री कृष्ण के जयकारे लग रहे हैं। श्री कृष्ण का जिक्र होने पर लोग उनकी बाल लीलाओं और अष्ट कलाओं को तो याद करते ही हैं, साथ ही उनके गीता के उपदेश की भी बात होती है। भगवान कृष्ण की कई बातें उस युग में जितनी प्रासंगिक और जरूरी अर्जुन के लिए थी, यकीन मानिए उतनी ही जरूरी इस युग के लिए हमारे लिए भी है, खास तौर पर मनी मैनेजमेंट के मामले में। अगर गीता में कृष्ण के दिए उपदेश को हम मानकर मनी मैनेजमेंट करेंगे तो हमेशा फायदे में ही रहेंगे। तो क्या है श्री कृष्ण के निवेश मंत्र, यही बताने के लिए हमारे साथ आज हैं पंकज मठपाल जी, MD ऑप्टिमा मनी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका और जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। चलिए, तो भगवान श्री कृष्ण जी, बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया उस कर्म युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन थोड़ा बहुत असमंजस में पड़ गए थे। और ऐसे ही कई बार निवेशक असमंजस में पड़ जाते हैं अपनी इस निवेश की कर्म भूमि में, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे गीता ज्ञान जिन पर हम चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे क्या हम निवेश के मंत्र हम सीख सकते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम इस गीता ज्ञान को निवेश मंत्र के तौर पर समझे और जाने और एक निवेशक को समझाए तो इससे हम क्या बात समझ सकते हैं? स्वाति, कृष्ण भगवान जी जो थे वो डेफिनेटली मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु रहे हैं मेरे हिसाब से, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो। उनकी बातों को हम अगर यहाँ पर लागू करें तो बिल्कुल आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो आप बात कर रहे हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये सीधी सी बात है कि इन्वेस्टर को क्या करना है, अपना फाइनेंशियल गोल सेट करो, प्रॉपर एसेट एलोकेशन करो। आप ये मत सोचो कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मुझे ऐसी स्कीम बताओ जिसमें 20% का रिटर्न मिलेगा। ये नहीं पता होता है कि 20% कहां मिलेगा। पास रिटर्न देखकर आप ये सोचोगे कि आगे भी मुझे उतना मिलेगा तो फिर आपको निराशा हो सकती है। आपका कर्म यही है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आप गोल सेट करो, एसेट एलोकेशन करो, टाइम पे उसको मॉनिटर करो, ये आपके बस में है। लेकिन उसका फल क्या मिलेगा, वो अच्छा ही मिलेगा लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। आप बराबर से कर्म करोगे, फल अच्छा होगा, रिटर्न्स अच्छे होंगे। बिल्कुल, लेकिन इस सीख से कितने निवेशक इत्तेफाक रख सकते हैं पंकज जी, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कई सवाल हमारे पास आते हैं, कई सवाल आपके पास भी आते हैं। कहते हैं मुझे इतने सालों में इतने पैसे चाहिए, अच्छा रिटर्न वाला फंड बताइए। तो क्या वाकई ऐसे निवेशक इस सीख से कोई सीख ले सकते हैं? बिल्कुल स्वाति, देखिए वो निवेशक की ना समझिए जहां पर वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा फंड बताओ जिसका रिटर्न 25% मिलेगा, हमें तो पता है ऐसी स्कीम जिसका लास्ट महीने में 25% मिला है। तो ये ना समझी है। एक्चुअल में हमने देखा है कि एक हर असेट का एक साइकिल होती है, हर असेट में एक एवरेज रिटर्न होता है। तो हमें करना ही होता है कि प्रॉपर असेट एलोकेशन होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, चाहे वो इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, वो अपने हिसाब से कितना टाइम होराइजन है, कैसा आपका रिस्क एपेटाइट है, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, किस लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उन बातों को ध्यान में करना चाहिए। उन्हीं का फायदा होता है मिलती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन है कि नहीं है। इसके लिए निवेशकों को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आपको अपने ये तीन बातें जो बताई मैंने, रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन करते हुए निवेश करना चाहिए। तो कुल मिलाकर पहले जो इस निवेश मंत्र से सीख यही लेनी चाहिए श्री कृष्ण से कि काल्पनिक रिटर्न की उम्मीद मत कीजिए और बार बार ये मत पूछिए कि ऐसा कोई फंड बताइए जिसमें बहुत ज्यादा रिटर्न हो, क्योंकि ये तो आपके हाथ में भी नहीं है। चलिए अब दूसरे निवेश मंत्र की बात करते हैं और दूसरा निवेश मंत्र क्या कहता है जो श्री कृष्ण ने कहा था, वो ये कहा था जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। मतलब अतीत पर कोई भी आप ग्लानि न कीजिए, भविष्य जो आने वाला कल है उसकी चिंता क्यों करें, अभी तो वर्तमान चल रहा है, उसमें होगा जो होगा वही होगा। अब इस अनमोल मंत्र जो श्री कृष्ण के जो बोल हैं, अनमोल मंत्र हैं, उससे निवेशक क्या सीख ले सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए अक्सर यही होता है कि जो चीज हो चुकी होती है उस पर लोग बहुत पछतावा करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कई बार आपने देखा होगा शेयर मार्केट में निवेश नहीं किया, मार्केट ऊपर चला गया तो भी अपने आप को दोष देंगे कि मैंने ये मिस कर दिया, नहीं किया। या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट गिर गया तो भी लोग पछतावा करते हैं कि नहीं मैंने क्यों किया। ये किसी भी एसेट क्लास में, आप सोने की बात कर लीजिए, लोगों ने निवेश किया, सोने के भाव नहीं बढ़े तो उसमें पछतावा होता है। ये कोई फायदा नहीं है, जो पास्ट में हो गया उसको देखकर फायदा नहीं है। आपको सिर्फ अगेन जो मूल मंत्र है निवेश के, कि आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना है। आप फ्यूचर की चिंता मत करें, आप प्रेजेंट में जिए। आप देखें हर समय सही समय होता है, आप टाइम करने की कोशिश ना करें मार्केट को, वो आपके हाथ में नहीं है। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो। जब भी आपके पास पैसा है अपने गोल सेट करो, उस हिसाब से वो लंबी अवधि है आपके, मीडियम टर्म है या लंबी अवधि है, उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में असेट का चुनाव कीजिए। लेकिन प्रेजेंट में जब आपके पास पैसा है, जब भी आपको करना है, उस वक्त का सोचिए। ये मत सोचिए कि पास्ट में क्या आपने नहीं किया या फ्यूचर में क्या हो जाएगा। आपको नहीं पता है मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। प्रेजेंट में देखते हुए पैसा है, गोल सेट करो और इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, कई लोग अपना एक लंबा चौड़ा होराइजन रखते हैं, रिटायरमेंट का, अपने बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की शादी का, और वो मन में काफी ज्यादा एक एक एक्साइटमेंट भी होती है और मन में ये भी सवाल होते हैं कि हाँ इतना हम कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस मंत्र से एक निवेशक यही सीख सकता है पंकज जी कि ठीक है आपने 20 साल तक का अपना एक गोल तो रखा है, लेकिन हाँ उसको लेकर बहुत ज्यादा आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, गोल तो सेट होना ही चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, तभी तो आप सही असेट का चुनाव करेंगे। गलती यहीं पे होती है, गोल सेट नहीं होता है। लोग एक साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर मार्केट में, जबकि हमें पता है कि शेयर मार्केट वॉलेटाइल होता है, शॉर्ट टर्म में कभी नीचे भी आ सकता है। और जब बात होती है 15-20 साल की, तब 15-20 साल के लिए डेट प्रोडक्ट्स में, चाहे वो इंश्योरेंस की पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना हो या पीपीएफ में करें, तो लोग लॉन्ग टर्म के लिए डेट में कर देते हैं और शॉर्ट टर्म इक्विटी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि गोल सेट नहीं होता है, पता नहीं होता है किस लिए कर रहे हैं। तो बिल्कुल, आप अगर गोल सेट करेंगे अपने, उसके अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर हम जो भी हम पहले बात कर रहे हैं, चाहे वो कर्म करने और फल की चिंता ना करने की बात हो या फिर आपके पीछे पिछले जो हो गया उस पर पछतावा ना करने की बात हो, वो बिल्कुल आपके लिए लागू होगी। चलिए अब बात करते हैं श्री कृष्ण के तीसरे गीता ज्ञान की और उससे क्या हम निवेश सीख ले सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो तीसरा जो ज्ञान है वो ये है, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, न तुम कुछ लेकर आए ना लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और जो लिया इसी, मतलब इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। तो ये बहुत ही, इसमें काफी गूढ़ बातें छिपी हुई है पंकज जी, लेकिन अगर हम इसको आध्यात्म से जोड़कर ना देखें और निवेश से इससे कुछ मंत्र कोई गुर लेना चाहे तो वो सीख क्या हो सकती है? देखिए, यही है जो आपने वेल्थ क्रिएट की है यहीं से की है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने उसको बढ़ाया। और कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत वॉलेटिलिटी के लिए स्पेशली बोलूंगा कि एवर्स होते हैं, मार्केट ऊपर जाता है तो खुश हो जाते हैं, नीचे आता है तो दुखी हो जाते हैं। तो वहां पर यही चीज होती है कि जो मार्केट है वो ऐसा ऊपर नीचे होगा, आप वहां पर बने रहिए, आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। लेकिन बस जो यहीं से ऊपर जा रहा है यही नीचे होता है, लेकिन आपको वहां पर स्थिर रहना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है पंकज जी कि लोगों के मन में काफी ज्यादा डर आ जाता है कि अब मार्केट काफी अस्थिर है और उनका मन भी अस्थिर हो जाता है कि क्या करें। यही तो सबसे गलती है। देखिए, हमने देखा है जहां भी वॉरेन बफे ने भी बोला है कि जब लोग फियरफुल हो, लोग डरे हुए हो, तो अच्छा समय होता है निवेश करने का, और जब लोग बहुत ग्रीडी हो जाए, बहुत लालची हो जाए, तो समझ जाओ कि अब मार्केट गिरने वाला है, आपको वहां से निकलना चाहिए। तो इसके लिए ये घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर आप गीता के उपदेश पे ध्यान दें, इस पर दें, तो आपको मालूम है, इसीलिए बोला है कि ये जो है यहीं पे हो रहा है, आपको उसके साथ में रहना चाहिए। लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं, हमें उसमें बहुत अटैचमेंट नहीं होना चाहिए किस चीज से हम बात करेंगे उस बारे में।
बहुत सारे उपदेश हैं, लेकिन यही है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर सही से अपना निवेश करते हो और इन सिद्धांतों पर स्थिर रहते हो तो आपको फायदा होगा। चलिए बात करते हैं श्री कृष्ण के चौथे निवेश मंत्र की। ऐसा कौन सा गीता ज्ञान है जिससे हम निवेश का कोई एक अनमोल गुर सीख सकते हैं? और जो ये जो शब्द थे इनको बहुत ध्यान से देखिए, खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। इसे हम किस कॉन्टेक्स्ट में एक निवेशक को समझा सकते हैं कि गीता के इस उपदेश से हम क्या सीख ले सकते हैं, क्या निवेश मंत्र हम जान सकते हैं? देखिए स्वाति, बिल्कुल सीधी सी बात है, हम खाली हाथ ही आते हैं डेफिनेटली, जाते हैं खाली हाथ जाते हैं। अब उसमें दो चीजें हैं कि वेल्थ क्रिएट की, हमने एंजॉय की लाइफ, अपने पूरा जीवन जिया, और उसके बाद में जो भी है हमारे पास हम छोड़ के जाएंगे किसी के लिए। पहले हो सकता है हमें भी ऐसे ही अपने एंसेस्टर से कुछ शायद मिला, तो वो हमारे एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, वो किसी और की थी, आज हमारी हो गई है। और ऐसे ही जब हम जाएंगे तो किसी के लिए छोड़ के जाएं, हम प्लान करें, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि लेकिन जो भी हमने लिया उसको बराबर से यूज करें, और जो हमने देके जाना है उसकी बराबर से प्लानिंग करें। ये दोनों चीजें में मिस्टेक हो सकती है, आपको कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली, वेल्थ मिली, और बराबर से मैनेज नहीं किया तो वो जीरो हो जाएगी। और दूसरी बात, हमने जो छोड़ के जा रहे हैं उसके लिए अगर हमने सक्सेशन प्लानिंग नहीं करी, हमने अगर एस्टेट प्लानिंग नहीं की, तो शायद वो अगली जनरेशन को बराबर से नहीं उनके पास पहुंच पाए, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसके लिए सीख यही है कि हमें दोनों तरह से जो हमें मिला है उसको भी ध्यान रखना है, ध्यान से मैनेज करना है, और आगे जब जो छोड़ के जाएंगे उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ छोड़ के जाएं, तो हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन इसको मैनेज बराबर से करना है। पंकज जी, लेकिन इस माया का मोह लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है। कितने लोग आपके पास जो आते हैं या आपकी जानकारी में वाकई इस निवेश सलाह पर अमल कर सकते हैं? देखिए, करना चाहिए। दुखों का कारण यही होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होनी चाहिए पर वैसे हो नहीं पाती हैं। लालच मन में आ जाता है किसी भी निवेशक को, अगर आप देख रहे हो कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, आपकी स्कीम नहीं परफॉर्म कर रही है, आपका शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप ये भूल जाते हो कि मैंने जो लिया है वो डिफरेंट टाइप की स्कीम है या उसमें रिस्क कम है। आप हमेशा देखते होंगे जब कोई चीज परफॉर्म कर रही होती है तो आपका मन ललचाता है, आप भी चाहते हो वही होता है। तो ये हम, और यही कारण होता है कि हम जो लालच करते हैं उसकी वजह से ही नुकसान होता है। तो जब हम अब बात कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट लेसन की, हमें क्या करना चाहिए, और डेफिनेटली अगर हम ये करेंगे, चाहे वो कृष्ण भगवान की बात हो, हमने जो वॉरेन बफे का भी एग्जांपल दिया था कि निवेशकों को जब लोग अदर दूसरे लोग ग्रीडी हो, लालची हो रहे हो, तब हमें उस वक्त फियरफुल होना चाहिए, हमें डर लगना चाहिए, और जब लोग डरे हुए हो तब हमें उस वक्त में लालच करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब कितने लोग कर पाते हैं वही तो क्वेश्चन है। जो लोग कर पाते हैं वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, वॉरेन बफे जैसे बहुत अमीर बनते हैं, जो नहीं करते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और नुकसान में रहते हैं। तो ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं ऐसे करना चाहिए ताकि आपका फायदा होगा। बिल्कुल आपने सही बोला। और पांचवा निवेश मंत्र भी तो यही कहता है कि शेयर बाजार का तो नियम ही यही है, आप फंड खरीदते हैं बेचते किसी और को हैं, कम दाम पर खरीदना फंड और ऊंचे दाम पर बेचना सही फंड, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये एक सर्कल है जिसको हम फॉलो करते रहते हैं। और ये गीता उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था और उसी में से हम कुछ निवेश के मंत्र भी यहाँ पर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज जी, अगर हम एक और निवेश मंत्र की बात करें जिसमें अगर हम गीता उपदेश की तरफ जाएं, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। वैसे इसको तो हम एक बिल्कुल कठोर रियलिटी की तरह देख सकते हैं आजकल के टाइम में भी, कि हम काफ़ी चीज़ों को समझकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कि बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं काफ़ी चीज़ों से, लेकिन वो प्रसन्नता शायद दुख में तब्दील हो जाती है जब हमें लगता है वो चीज़ हमसे दूर जा रही है। अगर हम इसको निवेशक के तौर पर देखें, हम अपने निवेश के तौर पर देखें, तो कहां पर ये जो उपदेश है वो सही बैठता है? बिल्कुल स्वाति, देखिए कुछ बिहेवियरल बायसेस होते हैं, लोग कुछ चीजों में बायस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी वेल्थ बढ़ने की बजाय घटती है। अब जिस हम मंत्र की बात कर रहे हैं यहां पर,
बहुत सारे लोग अपनी चीजों में बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है उन चीजों के साथ में, चाहे वो शेयर मार्केट की बात करो, प्रॉपर्टी की बात करो, आप गोल्ड की बात करो, ऐसे उदाहरण बहुत सारे आपने देखे होंगे। लोगों ने शेयर बाय किया, उनने सोचा कि नहीं यार ये शेयर अच्छा है, मालूम है अभी वो कंपनी पहले अच्छी थी, अभी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन सोचते कि नहीं मेरे पोर्टफोलियो में है तो कभी तो ऊपर जाएगा, ये बढ़ेगा, पता है कंपनी घाटे में जा रही है, लेकिन बेचने की बजाय उसे चिपके रहेंगे क्योंकि मैंने 500 का लिया था, अभी तो 400 में नहीं बेचूंगा इसको मैं, ये ऊपर जाएगा तब मैं बेचूंगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। कई बार जैसे गोल्ड की मैं बात कर रहा था, अगर किसी स्त्री को उसकी मदर से शायद कोई चीज मिली हो, इतना इमोशनल अटैचमेंट होता है, पता है कि सोने के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, जो ज्वेलरी मिली है वो ज्वेलरी अभी पहनी भी नहीं जा सकती, ओल्ड फैशन है, लेकिन बेचेंगे नहीं, हो सकता अगर आप उसको सच्चे फाइनेंशियल टर्म में समझें, अगर मेरे पास सोना है और पुराने जेवर हैं, उसको अगर बेच के और उस पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए तो प्रॉफिट होगा, लेकिन क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है। प्रॉपर्टी में कई बार ऐसा होता है, पहली बार घर लिया था मैंने, अब उस घर की कीमत नहीं बढ़ रही है क्योंकि जिस लोकेशन में वो अच्छी नहीं है, बट मेरा पहला घर था, मुझे बेचने में बहुत दुख होता है, या मेरे पेरेंट्स ने वो लिया था, उनकी प्रॉपर्टी में रह रहा हूं तो मुझे वो क्योंकि याद जुड़ी हुई है उस घर से, तो बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे जो इमोशनल बायसेस होते हैं इसकी वजह से हम वेल्थ क्रिएट करने से चूक जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, इसको लेके हम बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा है, लेकिन कल छोड़ के जाना है उसको। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में अच्छे से जिए, हम जो वेल्थ है उसको एंजॉय भी करें और साथ में प्लानिंग करें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, बच्चों के लिए, और अपने जाने के बाद में हम जैसे कुछ वेल्थ जोड़ के जाएं, छोड़ के जाएं नेक्स्ट जनरेशन के, वो भी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। सेवा भाव से भी अपने को करना चाहिए, अपने को जो जिन लोगों के पास नहीं है उनको मदद करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो कई बार इमोशनल डिटैचमेंट की जरूरत हो जाती है, जैसा श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे जो उनका अनमोल गीता ज्ञान था, वही कई बार निवेश मंत्र के तौर पर देखें तो निवेशकों को भी थोड़ा इमोशनल डिटैचमेंट की जरूरत होती है कई बार। एक और जो हमारा निवेश मंत्र है श्री कृष्ण से जो हमने प्रेरित होकर लिया है वो ये है, परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और इसको कोई बदल ही नहीं सकता। पंकज जी, क्या निवेश मंत्र इससे हासिल करें? बिल्कुल, ये बात आपके इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होती है। देखिए, एक टाइम था जब आप देखते थे कि फिक्स डिपोजिट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, निवेशक यहीं पर निवेश करता था, और ये चीजें सही भी थी उस वक्त के हिसाब से, जो अपनी जरूरतें थी वो लिमिटेड थी, जो रिटर्न्स थे वो अच्छे थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अगर आज भी आप बोलते हो कि मैं तो कंफर्टेबल हूं, मेरे पेरेंट्स ने भी FD की थी और सब कुछ सही चला था और मैं भी FD ही करूंगा, या मैं भी सिर्फ पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो आज शायद नहीं चल पाएगा क्योंकि समय बदल गया है, जरूरतें बदल गई हैं। आज आप जाते हो तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपके पास खर्च करने के साधन या विकल्प बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में परिवर्तन बिल्कुल एक संसार का नियम है, आपको भी समय के साथ में परिवर्तित होना पड़ेगा। आपको अगर जो नई चीजें हैं, चाहे वो NPS की बात करें हम, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, जो नए तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, उसमें आपको निवेश करना पड़ेगा, तभी आपकी जरूरतें हैं वो पूरी हो पाएंगी। अगर आप समय के साथ आप नहीं बदलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो श्री कृष्ण से कैसे निवेश मंत्र हम सीख सकते हैं, श्री कृष्ण का गीता ज्ञान हमारे आजकल के दौर में हमारे निवेश में कैसे काम आ सकता है, इस पर हमने चर्चा की पंकज जी। कुछ दर्शकों से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त अबू धाबी से जोगिंदर पाल, पहले दर्शक फोन लाइन पर सीधे लाइव हैं। जोगिंदर पाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, कैसे हैं आप? थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए कैसे हो, ठीक हो? वेलकम सर, बताइए, आपने अपना सवाल भी हमें भेजा था, हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं आज पंकज जी, उन्हें बताइए कि क्या चाहते हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट से, क्या आपके गोल्स हैं? एक्चुअली मैं नया इन्वेस्टर हूँ, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, आपका प्रोग्राम देख के इंस्पायर हुआ हूँ मैं, और मुझे STP के थ्रू निवेश करना है। जैसे मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटे के लिए 10 साल के बाद मुझे 25 लाख चाहिए, और बच्ची के लिए 12 साल के बाद 25 लाख चाहिए, और 17 साल के बाद दोनों का मैरिज के लिए 50-50 लाख चाहिए। तो मैं जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ STP के थ्रू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं नेक्स्ट ईयर जॉब छोड़ने वाला हूँ और मुझे एक ही साथ 10 लाख 12 लाख से शुरू करूंगा, और फिर इसको बढ़ाते जाऊंगा STP के थ्रू।
साइटिक करने के लिए। जोगिंदर जी क्या आप एनआरआई हैं? जी मैं एनआरआई हूँ, यहाँ से अराउंड 22 ईयर से काम कर रहा हूँ अबू धाबी में। ठीक है, आपके सवाल का जवाब पंकज जी अब देंगे। पंकज जी इनके कुछ सवाल हैं आपके निवेश को लेकर, बताइए कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये? बिल्कुल, देखिए क्योंकि आपको एक साथ में इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपीज, लेकिन जो मार्केट की स्थिति है, मार्केट काफी ऊंचाइयों पे है, ऐसे में एक साथ इक्विटी में निवेश करना सही नहीं होगा। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आप अपने पैसे को पहले किसी लिक्विड फंड में पार्क कर दीजिए और वहां से हर वीक या हर मंथ, आपके लिए मेरा सुझाव है कि आप हर वीक वहां से पैसा ट्रांसफर करें इक्विटी फंड के अंदर। तो इससे क्या होगा, आपका जो पैसा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो गोल आपने बताए हैं वहां पर वेल्थ क्रिएशन की जरूरत है, तो आप इक्विटी में निवेश करेंगे, लेकिन एक साथ करने की बजाय उसको इंस्टॉलमेंट में आपका निवेश होगा। तो 10 लाख रुपया पहले आपका इक्विटी, पहले आपका लिक्विड फंड में आ जाएगा और वहां से हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए इक्विटी स्कीम में। तो आप अपने अच्छे लार्ज कैप, मल्टी कैप और मिड कैप फंड को शामिल कीजिए पोर्टफोलियो में। कुछ नाम आपके स्क्रीन पे यहाँ फ्लैश हो रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए और वो स्कीम में आप लिक्विड फंड में करके वहां से एसटीपी कीजिए। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं, इंदौर से अमन जी इस वक्त हमारे साथ। अमन जी कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, बताइए सर, आपने कुछ अपना सवाल जानना चाहा है। म्यूचुअल फंड निवेश में आप नए हैं और अच्छी बात है, आप 27 साल की उम्र में शुरुआत करने की सोच भी रहे हैं, क्या गोल है आपका? मैम मेरा गोल है कि मैं 20 साल के बाद 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहता हूँ मेरे बच्चे के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता कि मेरे को कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। ठीक है, कोई एक अमाउंट जिससे आप SIP की शुरुआत कर पाए, आपके माइंड में होगा कोई रकम? सोचा कि मैं 10 से 15 हजार रुपए तक की SIP करना चाहता हूँ, 10 से 15 हजार रुपए की अभी। ठीक है, ओके पंकज जी, 10 से 15 हजार रुपए की SIP की शुरुआत अमन जी कर सकते हैं, 20 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल होगा। बिल्कुल, 10-15 हजार करेंगे तो आराम से ये मुमकिन है, बस समय के साथ में आपको थोड़ा इसको बढ़ाना भी होगा और ये मुमकिन है। आपके लिए सलाह ये है कि एक आप लार्ज कैप फंड आयते बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में SIP कीजिए, दूसरा ICICI प्रोडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी और एक साथ में L&T मिड कैप फंड, ये 3 फंड में अगर 15 हजार कर रहे हैं, 5-5 हजार की SIP आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके, 3 फंड्स आपके लिए अमन जी, इसको ध्यान से देखिए और आप बिल्कुल सही रास्ते हैं, बहुत सही समय पर शुरुआत कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। इस वक्त हरियाणा से तारा जी हमारे साथ हैं, तारा जी कैसी हैं आप? जी बहुत अच्छे। मैडम बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि हालांकि मेरी एज ज्यादा है और मैंने काफी लेट स्टार्ट किया, सोचा है इस बारे में, बट मैं चाहती हूँ कि 10 साल के लिए मैं 5 और 10 हजार रुपए की कोई सिप स्टार्ट करूँ या कुछ और जिससे मेरे को आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरे पास अच्छा पैसा हो कि मैं अपना बाद में जो है यू नो कि आफ्टर 60 इयर्स तो हम लोगों का जॉब भी नहीं होता, तो मैं मीन्स इजीली सर्वाइव कर सके। कोई बात नहीं तारा जी, देर आए पर दुरुस्त आए, आपने इसके बारे में सोचा है, लेकिन आप कैसे रिटायरमेंट की रकम भी ये हासिल कर सकती हैं पंकज जी, जरा इन्हें थोड़ा गाइड कीजिए, 5 हजार रुपए की सिप ये अभी फिलहाल शुरू कर सकती हैं। देखिए 10 साल का वक्त है, अच्छी बात है, आपके पास अच्छा टाइम है और वेल्थ क्रिएट करनी है, अगेन इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप SIP कीजिए, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। मेरी सलाह यही है कि शुरुआत में आप बहुत ज्यादा रिस्क वाले फंड ना लें, आपके लिए एक लार्ज कैप फंड जैसे ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड है, ये कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है फंड काफी टाइम से, इसमें निवेश कर सकते हैं, और एक मिड कैप फंड, मिड कैप में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी या L&T मिड कैप फंड, इस फंड में आप निवेश कीजिए। 5 हजार कर रहे हैं तो 3 हजार लार्ज कैप में कीजिए और 2 हजार रुपए आप मिड कैप में कीजिए और डिसिप्लिन के साथ में इसमें निवेशित रहिए। तो 5 हजार रुपए से SIP थोड़ी बढ़ानी भी चाहिए, आप ये रेकमेंड करेंगे कि इतना अमाउंट ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल समय के साथ में, क्योंकि 5 हजार तो इतना ज्यादा नहीं है जैसे उन्होंने बोला, समय के साथ में बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, बट शुरुआत के लिए आप 5 हजार से कीजिए और उसको हर साल जैसे कि इनकम बढ़ती जाए 10%, 5% जो भी पॉसिबल हो उसको करते जाइए। चलिए हमारे पास आज इतना ही समय है इतने ही दर्शकों के सवाल शामिल करने के लिए, पंकज जी बहुत शुक्रिया आज हमारे इस स्पेशल एपिसोड में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।